नमस्ते दोस्तों, टैरो ट्यून में आप सभी का स्वागत है। सोलमेट मैसेजेस देख रहे हैं हम। सोलमेट से आपके जो भी सोलमेट हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं गाइस, वो लेंगे हम। पहले कार्ड्स रख लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी और तीन कार्ड्स लेंगे हम। ओके, तीन निकल के आ गए। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स की। लवली गाइस, आपके सोलमेट आपको बोलना चाहते हैं कि आप एकदम उनको कंप्लीट करते हो, आपको एक परफेक्ट मैच के रूप में देखते हैं वो। एंड उनको लगता है कि क्या उनने मतलब इतने पुण्य, क्या अच्छे काम किए थे जो आप उनको मिले। आप जब से उनको मिले हो ना, आपके सोलमेट का फाइनेंसेस इंप्रूव हो गए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रमोशंस मिलने लग गया है, हर तरह रास्ते जो बंद थे वो खुलने लग गए हैं और वो बहुत बहुत थैंकफुल हैं इस चीज़ को लेकर। पहले वो बहुत सैड, उदास और कंस्ट्रेंड फील करते थे, बट जब से आपको मिले हैं उनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट, हर चीज़ इतनी अच्छी, इतनी करेक्ट जा रही है उनकी लाइफ में दैट वो मतलब कैनॉट बी इनफ थैंकफुल। उनको ये भी लगता है गाइस कि आप उनको इतने अच्छे से हील करते हो। इतना ज़्यादा ट्रॉमा जुड़ा था गाइस आपके पर्सन की लाइफ में, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फैमिली रिलेशंस जो भी थे हर चीज़ में, और वो मुझे लगता है रेडी नहीं थे और गिव अप भी कर चुके थे एक पॉइंट पर। बट आपने इतने अच्छे से उनको हील किया है, पॉजिटिव एनर्जी दी है, हीलिंग एनर्जी दी है, हैप्पी किया है उनको कि वो मतलब जता नहीं सकते कितने थैंक्स हैं, थैंक्स देना चाहते हैं आपको। मैं कहूँगी कि अनहेल्दी अटैचमेंट, कार्मिक हिसाब किताब जो उनका सेट नहीं था, ये सब चीज़ों में बहुत उलझे हुए थे और फेयरली ही और शी हैज़ गॉन थ्रू देयर फेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो वो अब उस चीज़ से उभर चुके हैं। आपने उनको मे बी एडिक्शन से भी छुटवाया है, हेल्प किया है एनी विच वेज दैट यू कैन। इसके लिए आपके पार्टनर ने, आपने जब उनको हेल्प किया ना, वो उस एनर्जी में थे, आपको उनने देखा कि ओ, पहले में भी आपके पार्टनर ना जो आपको तो समझ गया था कि ये आपके सोलमेट है मुझे ऐसा लग रहा है, बट आपके पार्टनर को इतनी जल्दी ये रियलाइज़ नहीं होता। बट आपने जब इतनी सारी चीज़ें की उनके लिए, उनको हेल्प किया, तो आपके पार्टनर को लगा कि हाँ, शी और ही इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं, मेरे को ये कंप्लीट करते हैं और मैं इनको कंप्लीट करना चाहता हूँ विथ गिविंग हिम और हर अ फैमिली, फैमिली से मतलब उस पूरी चीज़ को मैं टाई करके हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ और इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। इस वे में देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है उनको और आपको भी इस सिचुएशन में, क्योंकि ये जर्नी इतनी ईजी नहीं होने वाली गाइस। और आपके पार्टनर भले अच्छे हों, प्योर हों इंटेंशन जो भी, बट जो उनका नेचर है वो इस टाइप का है कि काफ़ी हार्ड है टू डील विथ। तो आपको और उनका ऐसा लगता होगा जब भी बात एंड ऑल करते होंगे, कनेक्शन फील होना स्ट्रांग तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, बट वो एक फीलिंग होती है ना कि साथ में रहते तो लाइक बिहेवियर एक्शंस ऐसा कि यार थोड़ा घिचपिच या जस्ट बहुत अलग लोग हैं हम दोनों, ये वाली फीलिंग होती है, क्योंकि आप लोग कभी एक चीज़ पे मत बना ही नहीं पाते हो। तो डिस्क्रिपेंसीज, मूवी हो गया, खाना हो गया, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इस टाइप की चीज़ें, तो ये सब चीज़ से आप दोनों को उभरना पड़ेगा गाइस। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर और उनको मतलब आपने एम्ब्रेस करना है डिफरेंसेस को और साथ में लेके चलना है, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये गाइडेंस आया है और इसका फ्यूचर दिखता है कनेक्शन का कि बहुत बढ़िया, नई शुरुआत दिखती है, न्यू बिगिनिंग्स, एक लीप ऑफ फेथ, बहुत होपफुल सिचुएशन, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, नाइस, कंटेंट, फुल ऑफ लव। तो ये आपके सोलमेट्स से मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। पसंद आई, रेजोनेट हुई तो कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। लाइव भी आती हूँ, फ्री टैरो रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, तो कम्युनिटी बोर्ड चेक करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड।